हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आयस अकेडमी। दिस साइड सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आयस अकेडमी पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का बजट जो है वो सामने आ चुका है, यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमन, 2024 के बजट को लेकर जो है ये आ चुकी हैं, यानी इन्होंने रिवील कर दिया है फाइनली हमारे 2024 के बजट में क्या कुछ है। अब आप सोचेंगे मैम बजट तो फरवरी के मंथ में ही आ जाता है और अभी तो जुलाई चल रहा है, तो अभी बजट कैसे आ गया। दरअसल इस बार यानी 2024 था स्पेशल ईयर और 2024 के इस साल में हुए थे चुनाव, और चुनाव में जो है जो चुनाव हुए थे, जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें हमारी मोदी जी ने नंबर मारा है। यानी कि मोदी जी जो है हमारे तीसरी बार, यानी कि तीसरा कार्यकाल है इस बार मोदी जी का, और वो जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बात यह है मैम, बजट को रिवील करिए, बजट में क्या कुछ जो है इस बार लाया गया है, क्या कुछ चेंजेस जो है वो बजट में किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें बजट की, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिगीम जो है ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स रिगीम जो है कुल मिला के वो पूरा चेंज हुआ है। यानी कि कहाँ, एक समय पर, यानी जब हमारा भारत देश बिल्कुल आज़ाद हुआ था, जब भारत देश की स्थिति कमज़ोर थी, उस समय पर 97% टैक्स के तौर पे जो है वो लोगों से लिया जाता था, और अब धीरे धीरे आप देखोगे 2024 में हम हैं, और ये टैक्स स्लैब जो है इसको भी डिक्रीज कर दिया गया है 42% पे। यानी जो लोग आपके 0 से 3 लाख रुपीस कमाते हैं पर एनम, ध्यान रखिएगा पर मंथ नहीं है, पर एनम, ठीक है, पर ईयर, उनको 0% टैक्स जो है वो देना होगा। देन 3 से 6 लाख वाले जो लोग हैं, जो लोग 3 से 6 लाख कमाते हैं, उनको 5% का टैक्स देना होगा। जो लोग 6 से 9 लाख कमाते हैं उनको 10% का, 9 से 12 लाख वाले 15%, 12 से 15 लाख वाले 20%, और 15 से ज्यादा 30% का टैक्स जो है उन लोगों को देना होगा। यानी ये जो है कुल मिला के टैक्स रिगीम चेंज हुआ है, ठीक है। यानी अगर आपकी जो इनकम है, ठीक है, आपका जो सैलरी पैकेज है, अगर वो सैलरी पैकेज आपका 15 लाख से ऊपर का है पर ईयर, ठीक है, पर एनम, तो आपको 30% का टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा। वहीं अगर आपका सैलरी पैकेज 12 से 15 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। वहीं 9 से 12 लाख है तो आपको 15% का टैक्स, 6 से 9 लाख है तो 10% का टैक्स, और 3 से 6 लाख है तो 5% का, 0 से 3 लाख है तो 0% का टैक्स स्लैब जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे हम देखेंगे और कौन सा पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है, ध्यान रखिए, मोबाइल फोन चार्जर, इन पर जो है कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया गया है। यानी कि मोबाइल फोन चार्जर्स अभी आपको और सस्ते दामों में जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो वापस से रीपरचेज पर जो है 20% का टीडी ऑन मार्केट प्राइस जो है वो दिया जाएगा, तो ये है। देन गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना चांदी जो है वो सस्ते हो गए हैं, ठीक है, तो जिस को भी खरीदना है फटफट जाके जो है वो लोग खरीद लीजिए, ठीक है। देन इंडियन यूथ के लिए जो है, यानी कि जो हमारे देश में यूथ हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर है भारत का, उनके लिए क्या बताया गया है कि जो यूथ हैं, अगर ये फॉर्मल सेक्टर के लिए, अगर उनकी फॉर्मल सेक्टर में जो है पहली बार जॉब लगती है, पहली कंपनी में पहली सैलरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। ध्यान रखिए सैलरी लिमिट भी रखी गई है, यानी 1 लाख रुपए की सैलरी लिमिट रखी गई है, और इसी के साथ वो पैसा जो है सरकार के द्वारा 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है उस पर्सन को या उस कैंडिडेट को जो है वो दिया जाएगा। पर ध्यान रखिए पहली नौकरी, पहली कंपनी, पहले महीने की सैलरी, ठीक है, तो जो यूथ हैं उनको सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाएगा, यानी पहली सैलरी जो है वो सरकार जो है उनको देगी, और फॉर्मल सेक्टर्स में जिनकी एंट्री होगी, ध्यान रखिए ये फॉर्मल सेक्टर के लिए ही है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नहीं है ये प्रावधान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन एंजल टैक्स को, यानी स्टार्टअप्स पे जो एंजल टैक्स लिया जाता था, अब एंजल टैक्स को हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, कुल मिला के बात ये है, तो अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप्स, ठीक है, तो स्टार्टअप्स पे जो है एंजल टैक्स को हटा दिया है। साथ ही साथ गरीब को जो है 3 करोड़ का हाउस एलोकेट किया जाएगा, यानी 3 करोड़
हाउसेस जो है वो गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। 3 करोड़ से भी ज्यादा हाउसेस जो है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बनाए जाएंगे, ताकि उनको पीएम आवास योजना के तहत जो घर है बेसिक वो मिल सके। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैंसर मेडिसिंस, ये जो है और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि कैंसर जो है एक बढ़ती बीमारी है जो कि देखा जा रहा है और सबसे सेकंड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ भी है भारत में। यानी कि भारत में जो लोग मर रहे हैं, सेकंड सबसे ज़्यादा मौतें कैंसर की वजह से हो रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पे एक अच्छा प्रावधान है कि कैंसर की जो दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी, अब उनको सस्ता कर दिया गया है। देन फार्मर्स जो है, यानी किसान जो है, इस बजट में प्रायोरिटी पर है। निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पे बोला है कि किसान जो है वो प्रायोरिटी पर हैं, और एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे बजट में उनको इंक्रीज, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था उस बजट को फर्दर इंक्रीज किया गया है, ठीक है। देन यूथ के लिए, यूथ के लिए क्या स्कीम है, और देखेंगे यहाँ पे कि 5 ईयर में 1 करोड़ युवा को मिलेगा रोजगार। यानी कि ये जो आने वाले 5 साल हैं बीजेपी सरकार के, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो है रोजगार देने का वादा यहाँ पे किया गया है। इसी के साथ ईपीएफओ में इंसेंटिव जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुल मिला के ईपीएफओ में 2 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिसके चलते जो है एक तरीके से इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। देन कंपनीज जो है, जो लोग नौकरी जनरेट करेंगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी उद्योग खुलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंपनीज ओपन होंगी, उनको जो है जो भी नौकरियां देंगी कंपनीज, उनको जो है सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिए जाएंगे। यानी एक बात साफ है, सरकार का पूर्ण रूप से रोजगार देने पर जो है बहुत बड़ा एक तरीके से सरकार ने कदम उठाया है। देखिए, इलेक्शन के दौरान भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, ठीक है। तो बजट में जो है साफ तौर पे उस मुद्दे पर माना जा रहा है कि बातचीत हुई है, और देखने को भी मिल रहा है कि इस बार रोजगार को देने के लिए जो है सरकार ने काफी सारे वादे किए हैं बजट में। ओके, अब पूरा होगा या नहीं ये तो 5 साल के पीरियड के अंतराल देखना होगा, बट बजट में जो है काफी सारे प्रोमिसेस किए गए हैं। देन अगर बात ये करें कि देखिए, एक तरफ जहां पे ईपीएफओ में इंसेंटिव दिया जाएगा, पहले जो जिसकी नौकरी लगेगी फॉर्मल सेक्टर में पहले मंथ की सैलरी दी जाएगी, साथ ही साथ अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो सेक्टर या जो कंपनी जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करेगी उनको भी सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसी के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी 20 लाख लोगों को, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो है महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि उनको आसानी से नौकरी मिल सके। साथ ही साथ एजुकेशन लोन, यानी कि 10 लाख तक का एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी शिक्षा को भारत में, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है या किसी भी कॉलेज में जो है अपनी शिक्षा को वो पूरी कर सके। इसी के साथ इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा उन यूथ को मोटिवेट करने के लिए, स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि और बेहतर उनकी नौकरी लग सके। इसी के साथ कल्याण अन्न योजना जो है, जिसके तहत फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता था जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के नीचे लोग थे, तो लगभग उसके लिए 80 लाख करोड़ का बजट जो है वो सेट किया गया है, और फर्दर उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लिथियम बैटरीज, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, सोलर पैनल, ये सभी जो है सस्ते कर दिए गए हैं। साथ ही साथ किसानों को जो है मैक्सिमम एमएसपी एलोकेट किया गया, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जिसके तहत आंदोलन भी हुआ था, किसान आंदोलन, तो यहाँ पे बजट में माना जा रहा है कि उनको मैक्सिमम जो है एमएसपी दिया जाएगा। साथ ही साथ 109 फसलों पर, यानी कि 109 क्रॉप्स पर सरकार की जो है एक तरीके से पूरा आप कह सकते हो फोकस्ड क्रॉप्स हैं, ठीक है, स्पेशल फोकस है इन क्रॉप्स पर, 109 क्रॉप्स पर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट किया जाएगा कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कई स्टेट्स में, कई राज्यों में उसको लॉन्च किया जाएगा। अब बिहार और आंध्रा
जो है यहाँ पे इस बजट में चमकते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं यूपी जो है थोड़ा गायब नजर आ रहा है। बिहार की अगर बात करें तो दो नए एक्सप्रेस वे जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे और दूसरा एक्सप्रेस वे है आपका बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे। यानी पहला जो आपका एक्सप्रेस वे है वो पटना को पूर्णिया से कनेक्ट करेगा, वहीं दूसरा बक्सर को भागलपुर से कनेक्ट करेगा। ठीक है, भागलपुर जो कि सिल्क सिटी कहे जाने वाली सिटी है, ठीक है, देन पटना विच इज द कैपिटल ऑफ बिहार। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज दिया गया है अपनी कैपिटल को, नई कैपिटल को डेवलप करने के लिए। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम को भी डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए जो है स्पेशल पैकेज दिया गया है। वहीं बिहार में जो महाबोधि टेम्पल है उस पर जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी स्पेशल बजट को जो है एलोकेट किया गया है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो है बजट में साफ तौर पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताई गई हैं। और ये जो बजट है हमारा, अब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कहना है, भाई कुछ लोगों का कहना है कि बातें तो बहुत हैं लंबी लंबी, बट देखना होगा कि कितनी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती हैं कितनी नहीं होती हैं। बट साफ तौर से बजट जो है अच्छा बजट है, सभी चीज़ों पे बराबर तरीके से फोकस किया गया है, बट देखना होगा कि वही इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।